दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है ठीक होंगे। जय मोलिता, जय माता दी। तो अभी आज का व्लॉग हम शुरुआत करते हैं। अभी 4 बज गए, नहीं वैसे तो 5 बज गए हैं शाम के। तो थोड़ा देर से व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है और वीडियो शूट करने में मज़ा नहीं आता। तो आज 5 बजे स्टार्ट किया है। वैसे आज तो आपको मूँगफली निकल रही है हमारे पीछे खेत में, वो जो मंदिर वाला खेत है, अभी वहाँ पर ही जाऊँगा। तो वहाँ पर पहले निकालेंगे मूँगफली, फिर उसमें मिट्टी रहेगी तो उसके ऊपर स्प्रे लगाने हैं। वो सभी अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं, आगे ट्रैक्टर से मूँगफली निकाल रहे हैं और रात में स्प्रे लग जाएंगे। तो वर्कर्स भी है तो वो रात में लगा देंगे, तो कल सुबह में मूँगफली इकट्ठी भी हो जाएगी। और कल है संडे तो मुझे भी छुट्टी है। और आज सुबह में मैं गया था स्कूल और वापस आ गया था 12:30 बजे। तो दोपहर से मैं यहाँ पर हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहा था और दोपहर के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इस टाइम में फ्रेश होने का अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं होती है और इस टाइम में मज़ा है। दोपहर में बाहर निकले तो वीडियो भी शूट अच्छी तरीके से नहीं होता और मज़ा भी नहीं आता। तो जाते हैं वहाँ पर, तो आपको दिखाता हूँ। अभी यही खेत है तो कैमरे में नहीं दिखता आपको, वहाँ पर पीछे ट्रैक्टर है आप देख सकते हैं। तो चलिए वहाँ जाके मिलते हैं वापस। आज तो आपको यूनिक कुछ दिखाना है, मूँगफली निकालने का स्टार्ट किया है आज के दिन। तो ये है हमारा घर यहाँ पर और ये खेत के बाद वो खेत में अभी निकल रही है मूँगफली। वो इतना पूरा किया है, अभी मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। तो फिर पीछे स्प्रेयर लग जाएंगे, वो भी कनेक्शन करके ही रखा है। तो चलिए वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर भारी लेने के लिए, तो टाइगर भी यहाँ पर ही है। तो यार थोड़ा सा घास काटना था यहाँ पर, मूँगफली अभी निकल रही है वो भी दिखाऊंगा। तो वहाँ पर देख सकते हैं वो घास एक भारी लेके जानी है बाइक में, फिर 2-3 भारी और होगी, फिर यहाँ पर लगभग ख़त्म हो गया है। अभी कुछ भी नहीं है, फिर मूँगफली निकलेंगे यहाँ पर भी कल या परसों। अभी तो घर पर निकल रही है। तो अभी भारी लेके जाएंगे मैं और दीपक। ये रास्ता है और ये मंदिर है पेपरापा का, यहाँ से ये हमारा घर, वहाँ पर ये जो माय वाइट मकान है वहाँ पर। टाइगर अभी इस तरफ चल रहा है ट्रैक्टर, टाइगर भी आ गए। और पानी गिर रहा है ना स्प्रेयर में से, इसलिए उसको भी मजा आ रहा है। स्प्रेयर लगाए हैं ये, आगे से पहले निकल दी है और बाद में स्प्रेयर, उसकी एक वजह है क्योंकि अगर इसको हम ऐसे निकालें तो इसमें देख सकते हैं ये ढेफा का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, जो टूटता नहीं है, ऐसे चिपक जाते हैं, इसलिए ये स्प्रेयर लगा दें। तो ये दोनों तरफ 10-10, 15-15 फुट पानी फेंकता है, वो जो बड़ी वाली अभी आएगी वो। तो सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट ही रखना होता है, 10 मिनट थोड़ी सी ज़मीन गीली करनी होती है सिर्फ। तो भी चाचा चला रहे ट्रैक्टर, उस तरफ है पापा, जो फुहारा देख रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा, 15 मिनट हो गई है। और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी शाम के 6 बज गए हैं। वैसे ये हरया मुख के चलाता है, ये दो आगे आने के और उस तरफ जाने के, क्योंकि ट्रैक्टर को ज़्यादा घुमाना ना पड़े और ये ज़मीन
हाँ ज़्यादा दब जाएगी तो फिर मूंगफली निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हरा ऐसे चलाते हैं। तो भी सनसेट बहुत ही बढ़िया होने लगा है, और ये मैंने कहा था कि बगुले आ ही जाते हैं, तो अभी ये मूँगफली निकल रहे हैं तो भी आ गए, इस तरफ भी है, और ये दो लाइन अभी यहाँ पर बाकी है निकालने की, तो वो निकल जाए फिर ये कुएं तक का खेत पूरा हो जाए, फिर बाद में उस तरफ का रहेगा। और स्प्रेयर तो इसलिए लगाते हैं, इसमें अगर मैं निकाल मूँगफली तो मिट्टी आएगी बहुत ज़्यादा, देखो आप पूरा इसमें से खंखेर है तो भी बच जाएगी, ये देख सकते हैं आप, तो इसलिए स्प्रेयर लगाना पड़ेगा। और वैसे अच्छी है मूंगफली, देखो आप अच्छी अच्छी मूंगफली है, अब तो देखे कैसी हो। तो ये कुआ भी ऊपर तक वैसे भरा है, ये लगभग 5 फुट नीचा होगा, इसका हम यूज़ नहीं करते, तो इसमें पानी डालते हैं लेकिन इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि वैसे तीन कुएं का यूज़ करते हैं, तीन कुएं ऐसे पड़े रहते हैं, तीन कुएं का यूज़ करते हैं, पूरे 6 कुएं हैं यही खेत में है ये कुआ। तो चाचा अभी उस तरफ लास्ट लाइन बाकी थी तो वो लगा रहे हैं, और फुहारा पहली लाइन में लग गया है इसलिए बंद किए हैं, अब इस तरफ लेने पड़ेंगे, तो फिर से वापस चलूँगा रहेंगे 10-15 मिनट। और हम तो यहाँ पर मूंगफली ऐसे निकालते हैं, ब्लेड होती है और पीछे रोलर जैसा घूमता है, तो और स्प्रेयर लगाने पड़ते हैं, ये दोरी थे। बाकी वैसे तो अभी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पाथरा भी जो वर्कर्स करते हैं मजदूर वो भी नहीं करना पड़ता, और वो ये भाई के पास है, ये पीछे आप मकान देख सकते हैं, ये भाई के पास वो टेक्नोलॉजी अच्छी रखते हैं, तो वो मूंगफली निकलने का नया ले आए हैं इस साल। और मूँगफली में जब हम सूख जाए और थ्रेसर से जो निकलते हैं ओपनर के द्वारा, वो भी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हम तो हमारा वैसे यूज़ करते हैं वर्कर्स है, मूँगफली का लिए पाथरा भेगा करेंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगा, अभी तो बस निकाली है और स्प्रेयर लगाएंगे रात में, कल सुबह इसको इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो वो भी दिखाता रहूँगा, और फिर 3-4 दिन के बाद वो ओपनर में से निकालेंगे। तो आज का व्लॉग तो ये मूँगफली के ऊपर ही बनाना है, इसे आज कुछ अलग नहीं दिखाना आपको, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये है पीछे पपैया, दोनों यहाँ पर जगह थी थोड़ी सी तो कुएं के पास लगा था, तो टाइगर भी अब गंदा भरा हुआ है मिट्टी वाला, क्योंकि स्प्रेयर में पानी निकल रहा था उसके नीचे था, और फिर बाद में इसे इसमें लेट गया था मिट्टी में टाइगर, तो उसको भी हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर आता है, उसको भी मज़ा आता है हमारे साथ रहने में, क्यों टाइगर। और वो अभी चेंज कर रहे हैं लाइन, वो उस तरफ से इस तरफ ले रहे हैं जिससे कि ये मूँगफली में भी लग जाए।
अभी मैं तो जा रहा हूँ घर की, और वो भी पीछे हैं सभी। चाचा अभी ट्रैक्टर चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, या फिर पूरा खेत पूरा कर देंगे, पता नहीं। पर स्प्रेयर भी साथ में लगाना रहेगा, अगर मूँगफली भेगी हो जाए तो हमारा काम फिर चालू हो जाए। अभी यहाँ पर ये फिर ये खेत होगा, फिर आगे के सभी खेत। और अभी आज का वीडियो इतने डिटेल में नहीं है, वैसे ओवरव्यू थोड़ा सा कह सकते हैं, मैं सब बनाया है। लेकिन अभी तो हमारे हैं एक सप्ताह तक, एक अठवाड़े तक मूँगफली का काम चालू ही रहेगा, तो आपको दिखाना ही है। वैसे ये सभी खेत है, तो कल भी छुट्टी है तो कल दिखाऊँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो खास करके कमेंट में बताएं। अभी पहुंच गया हूँ घर की ओर, देख सकते हैं। तभी मम्मी सभी उसको पानी पिला रहे हैं, चाचे श्यामा का मिल्किंग कर रहे हैं, थवड़ी चालू है, बिल्ली को बाहर बांधा है, और भैया अभी वो हमारी राधा को और कटड़ी को चरा रहा है उस तरफ, थोड़ा सारा घास हुआ था तो। और बाकी शाम का मस्त लुक है अभी, और वो अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं मूँगफली निकालने का। तो आज से हमारी मौसम चालू हो गई ऐसा कह सकते हैं, आज से फुर्सत नहीं होगी काम में। तो कल पानी इसमें नहीं दिया था, कल शाम में दिया था सॉरी। तो ये मकई में दो दिया, और घास लगा दिया। जो क्यारा बाकी था वो भी वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, अब घास लगा दिया, पानी भी दे दिया। अब ये तीन चार दिन में घास जो फूटने लगेगा, और लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी दोपहर में भी लाइट चली गई थी, दोपहर में पानी दिया था लास्ट क्यारे में। बाकी तो अभी सभी मूँगफली निकल रहे हैं, और हमने स्टार्ट की है तो 15-20 दिन तक मूँगफली का काम चालू रहेगा। पहले तो मूँगफली में स्प्रेयर लगा के वो सब मेहनत ज़्यादा रहेगी, वो निकालेंगे, फिर ओपनर में से निकालनी पड़ेगी, फिर ऊपर से जो मूँगफली टूटी होगी ज़मीन में वो चूटनी पड़ेगी, क्या हिंदी में चूटना ही लगभग तो बोलते हैं, क्योंकि वो MP वाले जो हमारे वर्कर्स है वो चूटना बोलते हैं, और वो मूँगफली को भुंजिया बोलते हैं। तो वो मूँगफली चूटनी पड़ेगी ऊपर से, मतलब हम वीणनी बोलते हैं यहाँ पर, वीणी करवी हम। और फिर जो ज़मीन के अंदर जो होती है उसको भी चांस लगा कर दो बार चांस लगाते, फिर उसमें से निकालनी होती है। तो ये 15-20 दिन तक चलेगा, फिर सभी खेत रेडी करके फिर 1-1.5 महीने के बाद गेहूं लगाएंगे उसमें। तो इतने प्रोसेस मूँगफली की मौसम की रहती है। तो लगभग तो अब छुट्टी नहीं रहेगी, काम में फुर्सत ना होगी सुबह से लेकर शाम तक, वो भी धूप, कड़ी धूप होगी। दोपहर में तो इतनी ज़्यादा धूप रहती है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, वो तो आपको दिखाते रहूँगा। और वैसे आज का वीडियो एंड करेंगे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो आज का ब्लॉग एंड करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।